जो टाइम हमारा था वो टाइम बिल्कुल करीब हो गया है। पांच मिनट का समय आपका और लेंगे, फिर इसको समापन किया जाएगा। बाबा साहब के बारे में कहने जा रहा हूं, हमें बाबा साहब को कहां कहां देखते और किनके किनके में मुझे दिखते हैं, यही बात कहने जा रहा हूं। कहना है कि बाबा उम्र में राजेश कम हुआ लेकिन वो साथ में बाबू के संबंध छाती हो साथ। आप लोगों के सहयोग से ये लोहार जो 2018 में स्वर्गीय बाबूलाल लोहार लिखा, ये महापुरुषों की प्रेरणा से मैं लिखा। नहीं स्वर्गीय माने हम भी बिल्कुल कांग्रेस महाविद्यालय के 1986 के प्रोडक्ट है, बीए एमएस की डिग्री है, मैं भी ऑपरेशन कर लेता हूँ। 15 साल तक मैं प्रैक्टिस किया। साहब जब इधर का दर्द आया तो घर में हमारा बेटा आया हुआ है, हमारे साथ में आया हुआ है और इस काम में मैं लग गया। मैं घर में अपने बड़े भाई से कह दिया मुझे बिहार हिस्सा नहीं चाहिए, घर में कोई हिस्सा भी हमको नहीं चाहिए, बस आप मेरे भाई बने रहिए। महापुरुषों का जो जीवन बचा हुआ है ये महापुरुषों के ऊपर कुर्बान कर देने दीजिए, तब जाकर के घर की अनुमति मिली
तो मैं स्वर्गीय लिखा स्वर्गीय बाबूलाल लोहार। और जब स्वर्गीय लिख करके हमारे बच्चे वायरल किए तो जहां जहां रिश्तेदार नातेदार लड़कियां बाहर थी उनको रो रो के फोन करे सो रोवासो फोनवा करे सो ए चच्चा हो चच्चा मर गईला हो चच्चा हम ही से बतियावत है तो हम मरल कहां है हम ही से बतियावत हो का चच्चा हो तुम मर गईला हम के करे सही अगर हम मर गए तो बोली कैसे। इसलिए साथियों ये महापुरुषों का कर्ज उतारना होगा और जो बिना महापुरुष का कर्ज उतर ले प्रयास करिए मैं कहता हूँ प्रयास करिए। दुनिया में कोई न कोई किसी कोने में एक आंदोलन होंगे पैदा जो अपने माँ का कर्ज उतार सकते हैं उतार दिए होंगे। लेकिन पूरी भारत में तैनात में मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा पुत्र अभी पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कर्ज उतार सके। इसलिए आपको आगे आना होगा और आकर के उनके नाम पर कुर्बानी दे दो यार। अगर घर में मरोगे मरीज कहलाओगे पहाड़ में मरोगे क्रांतिकारी कहलाओगे। और कहते हैं क्रांतिकारी कभी मरते नहीं दफनाए जाते हैं और सैकड़ों साल के बाद खोज कर देखो तो जिंदा ही पाए जाते हैं जिंदा पाए जाते हैं। तो साथियों आपको भी साथ सहयोग करना होगा। इसलिए अगली लाइन में कहना नहीं होते तो भारत के सर जमीन पर गौतम बुद्ध का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। ये हमारे महापुरुष हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ जो भी लड़के हैं यूट्यूब देखते हैं ये सारा देखते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है एक बिग मैगी पर आता है कार्यक्रम टेलीविजन जिसके घर में होगा उसको देखने का प्रयास करेंगे। बिग मैगी एक 28 नंबर पर एक कार्यक्रम आता है और उस कार्यक्रम का नाम है। उन नौजवान को मैं कहना चाहता हूँ जिनके हाथ में बड़की मोबाइल है आप लोग देखने का काम करिए। उस पे एक सीरियल आता है और उसका नाम है एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप देखेंगे बाबा साहब का बचपना और बचपना जब ऐसा है तो बाबा साहब का बचपन और मेरा उम्र 55 जोड़ लीजिए बाबा साहब का बचपना और मेरा 55 उम्र की उम्र का हूँ और निश्चित रूप से बाबा साहब के एक एक पॉइंट याद करने का काम करता हूँ और आपको भी कहूँगा करना चाहिए। 9 बजे आता है 9:30 बजे खत्म होता है उस सीरियल को जरूर आप लोग देखें। और जो भी पढ़े लिखे साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप करिए अगर नहीं देखते जागरूक नहीं होगी तो निश्चित है कि ये आरएसएस के लोग 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है। रोमन भैया 100 साल पूरा होने जा रहा और 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ था 2025 में 100 साल पूरा होने जा रहा है। और 100 साल जब पूरा होगा आरएसएस के लोग सालगिरह मनाएंगे और दिल्ली आप चले जाइए तो जो संसद भवन बना हुआ है उस संसद भवन के बगल में जो त्रिकोणा संसद भवन तैयार हो रहा है 2024 में वो जाकर तैयार हो जाएगा। और उसका आकार कैसा है इस तरह से 3 कोना है। 3 कोना का मतलब आप समझते हैं त्रिकोण का मतलब समझते हैं नहीं समझते त्रिकोण का मतलब है ऊपर ब्राह्मण देवता और नीचे छत्री और बगल में वैश्य। केवल उस संसद भवन में केवल 3 जाएंगे और चौथा शत्रु का कोई मतलब नहीं है और न ही आपको प्रवेश उसमें वर्जित लिखा जाएगा। कब जानते जब अंग्रेज आए आपके देश में तो उनका जो माल रूड था मैं देखा हूं हम मेरठ में जो है 12 साल आर्मी इन्फेंट्री में
चार टैंक चलाते हैं, उसमें मैं 12 साल तक रहा हूँ, ट्रेनिंग लिया हूँ। और दुर्भाग्य है कि मैं पूरी सर्विस नहीं करके आया, और 2 साल के इंजीनियर जो वो चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग पीरियड में ही हम 65 किलो का वजन वाला आदमी और बॉक्सिंग चैंपियन था 65 किलो वजन में। और उस समय का मैं बात बता रहा हूँ, जब मेरी उम्र 19-20 साल रही होगी, उस समय अगर एक भूसा अगर चम करके भैंसा के भी मत्थे पर लग जाए तो भैंसा भी एक दिन कहे बहुत सारे हमके मार देगा। ऐसा उस समय जनून और जज्बा था। लेकिन साथियों वो गुण भूला नहीं है, वो गुण आज भी है। 7 लोगों को तो मैं ऐसे ही पछाड़ दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि उस समय मेरठ की जो है वो उनका मान अंग था, उसका नाम मान नाम आज भी है। मान अंग पर जब वो अंग्रेज थे तो उस पर लिखा हुआ था, पोस्टर छपा हुआ था, ब्लैक मैन इंडियन नॉट मिलाओ। क्या बोला, इंडियन नॉट अलाउड, यानी इस रोड पर भारत का काला आदमी नहीं जा सकता। उसी तरह से वो लिखने के लिए तैयार है और आप नहीं लिखने देने के लिए तैयार है। इसलिए जिस संगठन में मैं काम करता हूँ और साथ ही ठोक करके कहता हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का हमारे संगठन में हूँ नहीं है, और लिखा है जो हिंदी का बोर्ड लगा हुआ है। आप इसको जानने का प्रयास करेंगे तो कहना है कि गुरु बाग के देखा जो नाम है देखा, गुरु बाग के देखा जो मैं ससुर में ससुर मैं बात कर रहा हूं, तो महीस राजा नाम का नाट्य दर्शी महीस पुर का मैसूर का राजा का नाम है महीस राजा, और महीस राजा को नौ दिन दौड़ा हम लोग समाज भाई भूख दुनिया लोहरो भूख है ना, कमवा लोहरो कमवा कोई रियो करेगा, कमवा पूर्ण करेगा। तो 9 दिन में मार दिया, जब मारने से पहले महीस राजा है और जब मर गया तो महिषासुर राक्षस हो गया। देखिए बच्चा लक्ष्मण जी का बच्चा है या लक्ष्मण जी ने पुरस्कार भेजा है, लेकिन 100 रुपया पुरस्कार है। मैं कहूंगा ये बच्चा तो वो यूट्यूब में हर YouTube देख देख करके वो वाला आशिक मत के बन जाए, यहाँ तो न दुनिया जान मारे ले गड़बड़ा बगल वाली जान मारे ले यही कनवा सुन के गड़बड़ा जाते हैं, तो हम कहते बचवा तू डॉक्टर अम्बेडकर को ओके साधुवाद दिया था, लेकिन कहना है सुर में
धन्यवाद भैया के तरफ से बहुत सारा सहयोग राशि जय विजय लाल साथियों कहना है एक बार यह झूठ का मतलब भैया पर पहलवान राजीव जब पहलवान उत्तर लगाना ले रहा पहलवानी में बड़ा नाम आपको समझ ले रहा है यह गौरी का एक काम कहा गया गौरा दिया कुल हो गल लगी रे का मेरा भाई तू पार भर कर दिया अब दूर रहना का काज है अरे कहेगा भौजी भैया अगली लाइन अच्छा अच्छा बटवा आदमी ना समझ रहे मेरे बार बार ना हो ना जान को क्या हो हमारे देखा कटिया होत रहे सर पाड़े आगे ने घरे में पहले ना जानकारी तक पढ़वाया आ जाता अब नो इंटी है आ प्रवेश और इंटी तो लइकवा हमार मार से हालत रह जिसका काम कही तो देखनी बड़ा खुश हुआ हम कही तो सब खुश का हुआ बिना सोलर पांच फोर के डाला तो घरों वाला बड़े वक्त लड़का लड़की हुई है तो लगभग कमाई क्योंकि यहाँ दुनिया आई हरारू के पैसे खिलाई है बिया हुई है खुश होएगा तो साहब ये कहना आइए चलते अरे कहाँ गई ला बाबा साहेब कह रहे हैं क्या कह रहे हैं बाबा साहब को याद कर रहे हैं हे बाबा कहाँ चले गए अगर तन्नी साहब दिन रुक गया रहता कई जगह हुआ परेशानी हम उनके ना भाई रहे लेकिन जानते हैं आप हमें बता देना चाहता हूँ साथियों नौजवान साथियों से बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूँ और जो समाज में चलते हैं उनसे खास तौर से कहना चाहता हूँ बामसेफ नाम का जो संगठन है ध्यान रखिएगा बामसेफ नाम का जो संगठन है वो बाबा साहब से उस बात का कर्ज चुकाना चाहता है इसीलिए वो निर्माण बाबा साहब का कौन सा बात का कर्ज आगरा में बाबा साहब ने कई लाख लोगों के बीच में वो बोले थे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है अनपढ़ों से कोई शिकायत नहीं है बोला के जाना तो कि बाबा साहब ऐसे कर रहे अरे समर्थन करो यार तो झूठा में बन जाऊंगा समर्थन करिए कि बाबा साहब ये कहे थे कि नहीं कहे थे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया अनपढ़ों से कोई शिकायत नहीं है बामसेफ का मतलब क्या है बाबा साहब के उस शब्द को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया इसलिए पढ़े लिखे लोगों का संगठन का नाम है बामसेफ और पढ़े लिखे लोग उसमें हमारे जैसा बोलने वाला खाने वाला नहीं जा सकता किसी और संगठन में जाकर मैं काम कर सकता हूँ लेकिन बामसेफ में जाकर मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि वो पढ़े लिखे लोगों का और जो सर्विस होल्डर है उनका वो संगठन बाबा साहब का कर्ज बामसेफ उतारना चाह रहा है कि बाबा साहब क्यों जो हमको कहा है हमारे पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के नालायक लोग हैं वो नायक बनना चाहते हैं बामसेफ के द्वारा लड़ाई लड़ करके आपको भी उसका साथ सहयोग देना चाहिए तो कहना है अरे बाबा
हरि रोवे लाल अरे कहां गई लबा अजय अजय साहब कहीं खड़ा हो जाए।
पीछे के पूरा की शादी देख रहे हो, हम परिचय दे रहे हैं। एक पीजी कॉलेज के नौजवान साथी हैं अजय यादव जी, बहुत बड़ा सहयोग राशि दिया है आपने। और अजय जी हमके याद, हम जहाँ जहाँ कड़ी कड़ी जाए ना, पोस्टर तो हम लोग का जवान छापर रहना टंगर रहना, ऊपर नंबर हम तो के कई बार फोन के नहीं आपसे तो हमसे बात की है। स्वर्गीय बाबूलाल लोहार का परिचय देकर मैं आपसे बात किया, क्योंकि हम लोगों को आपकी जरूरत है। अभी जो मैं कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, अपने को लायक कहना है तो काम करना होगा। हवा में उड़ गए, इसलिए हम लोग कहते हैं बहुत सारा सहयोग राशि धन्यवाद, इसलिए हम कहते हैं। हमारे धर्मेंद्र कुमार की तरफ से बहुत बहुत सहयोग राशि, मैं आपको जय भीम जय भारत धर्म राशि कहता हूं, इसलिए कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा कागज बड़ा ज्ञान, ये ही सबकी नीति है। और राम ने जन्म इस धरती पर, यही सही प्रवृत्ति है, यही सही प्रवृत्ति है। आप लोग कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मान्यवर साहब और महापुरुष ने क्या कहा था, एक कैसे ही सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है, अब बहुजन की बारी है। तो हम क्या कहते हैं कि छोटा कागज बड़ा ज्ञान, यही सबकी नीति है, राम जन्म इस धरती पर, यही सही है। अरे राम राज का खात्मा है, अरे भीम राज की बारी है। अगर बाबूलाल लोहार की बात समझ में नहीं आई तो समझो कि खुद की भ्रष्ट तुम्हारी बात समझ में आए तो बुद्धि सच्चे लिखवा या पिखवाने की हमारे बुद्धि भ्रष्ट। देखते हो कह रही श्रीमान देखे यहाँ यादव जी बैठे ही है, इसलिए कहने का मन कर रहा। अजय कुमार जी को सुनाना चाहता हूँ, एक लाइन दो लाइन है परोसना चाहता और परोस रहा हूँ। आपको भी तय करना होगा, ललई सिंह यादव को पढ़े नहीं पढ़े मैं नहीं जानता, महेश राजा को पढ़े नहीं पढ़े मैं नहीं जानता, सब देव बाहर को पढ़े नहीं पढ़े मैं नहीं जानता, लेकिन रंजन गोगोई को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे लाड गौतम बुद्ध के परिसर को कह दिया, यहाँ अयोध्या है, राम का ये जन्म स्थान है, ऐसा कहा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं अरे तेरे राम का भी फैसला कहा गया, अगर राम भगवान राम से कहे ना ऐठ के सब जौन हो आए कि परवा ले मर्जी गुलाब रंग प्रभु कहे परवा ले चले चले गुंबद में है वो कौन मस्जिद, बाबरी मस्जिद में 1300 साल का प्रमाण है, उसमें अजान नहीं किया गया उस मंदिर का मस्जिद का है। जवाहरलाल नेहरू के समय में गोरखपुर से जाकर के राम की मूर्ति लाया गया, चोरी से डाला गया, वो झगड़ा तुम्हारे बाप के अस्तित्व को मिटा रहा है ब्राह्मण, वो झगड़ा इसको जानना, इतिहास में जानना होगा। नहीं विश्व का पहला आदमी ललई सिंह यादव है विश्व में, जो कि सुप्रीम कोर्ट से 300 रुपया दंड मुआवजा वापस किया और सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा, ऐसा है कोई भारत में? दुनिया की बात करो, DOS की डिग्री दुनिया में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा है कोई विद्वान? ब्राह्मण कहने इतना विद्वान हो गई ना, छत्री राला पूरा मत मरिया के छत्री साहब हो कहने इतना बढ़िया तू DOS की डिग्री ले लेना, बाबा साहब जैसा किसी ने नहीं लिया, सारे देश के लोग आए थे बाबा मेरे हाथ चलो मेरे देश में सारी व्यवस्था दे दूंगा, आधा मैं दूंगा अपने देश का हिस्सा आपको
कर दूंगा, नहीं भारत को छोड़ देंगे। और बाबा साहब को अमेरिका वाले आए तो कहे आप मेरे साथ चलिए, और नहीं गए तब भी कौन सा विश्वविद्यालय? हाँ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका के गेट पर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ द नॉलेज, कोलंबिया लिखा है सिंबल ऑफ द नॉलेज, यानी कि दिमाग का प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये लिखा गया। गर्व नहीं करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, लेकिन हम लोहार हैं, हम लोहार हैं, क्यों वही रहूंगा, इधर कोई नहीं बात है। और हम ओबीसी वाला आदमी पंकज बाबू, ध्यान दिया ए पगड़ी वाले भैया, तो उस पर ध्यान देना है कि हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चमार मान करके नहीं पड़े, है कि नहीं? हमारे घरे वाला बुढ़वा कहना चमार कर नहीं कहा रसी वाले, देखा तो भूसवा वाले ने रसिया हो कोमन पानी की, हाय हाय हाय, अरे बाबू तक के लिए समानो इतने की। अब पश्चाताप करके उसको मिटा देने की जरूरत है। हम बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, अगर बुद्ध नहीं होते, अगर बुद्ध नहीं होते तो संतुक महाराज नहीं होते, अगर संतुक महाराज नहीं होते तो संत गुरु रविदास नहीं होते, अगर गुरु रविदास नहीं होते तो संत कबीर नहीं होते, अगर संत कबीर नहीं होते तो ज्योतिराव फूले साहब नहीं होते, अगर ज्योतिराव फूले साहब नहीं होते तो छत्रपति साहू जी महाराज, अगर छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो नरेंद्र सिंह यादव नहीं होते, अगर ये लोग नहीं होते तो कौनलवा लोहार भी नहीं होता। करना पड़ेगा, कहने से काम नहीं, एक परियोजना जो बढ़ाया जा रहा है इसको काम में लाना होगा, इसलिए कहना तो नहीं, भगवान छाटना होगा, भगवान को छाटना होगा। कहते धरती झुक गई, धरती नीचे धरती झुक नहीं सकती कभी आसमान के आगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है शमशान के आगे। जब हो बढ़िया हाथ उठा के कहे की शमशान किया मार पाऊ चल गई फेंक देनी, जब तुम्हें चलत रहना दुनिया में कहे वाला नहीं, इसलिए कह रहा है कि धरती झुक नहीं सकती कभी आसमान के आगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है शमशान के आगे। अरे तेरे राम का भी फैसला गया, तेरे राम का भी फैसला गया सुप्रीम कोर्ट में, और तेरे राम को भी झुकना हुआ संविधान के आगे, संविधान के आगे, संविधान के आगे। लटकर रहना कई हजार साल कई साल काहे फैसला करवाए, बाबा साहब का संविधान से फैसला मिला तेरे राम, वो गलत नहीं हो तो करो मुंह पिछवाड़े पास करे बजे एकदम तैयारी हो गई है, एकदम तैयारी में है लड़ाई, तो कह रहा है कि भर के छोड़ी, कि भर के छोड़ी
समाप्त किया जाता है और आप लोगों से हम लोग विदा लेना चाहते हैं क्योंकि आगे भी इनको और पढ़ाओ। जय भीम जय भारत जय हम। Okay.